हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबीज फैक्ट। गाइस, क्या आपने भगत सिंह जी का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा। और माना जाता है कि भगत सिंह जी ही हमारे ऐसे इकलौते फ्रीडम फाइटर थे जो कम उम्र में ही फांसी के फंदे को चढ़ गए थे। बट ऐसा नहीं है। जब भगत सिंह जी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, उनकी एज थी 23 ईयर्स। उनके साथ साथ सुखदेव जी और राजगुरु जी को भी उसी दिन उसी टाइम पे फांसी हुई थी और उनकी भी एज 22 से 23 थी। राजगुरु जी की 22 थी एंड सुखदेव जी की 23 थी। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आज इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी ही ऐसे फ्रीडम फाइटर नहीं थे जो सबसे छोटी उम्र में ही फांसी के फंदे को चढ़ गए थे। उनसे पहले भी एक ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो महज 19 साल की उम्र में ही फांसी के फंदे को चढ़ गए थे और उनका नाम है खुदीराम बोस। यस, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में हुआ था। खुदीराम बोस जी को सिर्फ 17 साल की उम्र में ही गिरफ्तार कर दिया गया था। हालांकि फिर इनको छोड़ दिया गया था, बट उसके बाद जब इन्होंने एक प्लान को अंजाम दिया, जो प्लान था 1908 में एक ब्रिटिश गाड़ी पे हमला करना। वो गाड़ी सेशन जज की थी जिस पर इनको हमला करना था। हालांकि इन्होंने किया और उसी हमले में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया था। और इनके साथी थे प्रफुल्ल चंद चाकी और वो डेट थी 30 अप्रैल 1908। और इसी घटना के बाद खुदीराम बोस जी को 19 साल की उम्र में ही फांसी के फंदे चढ़ा दिया गया था। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी आपके सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।